कूड़ा कहीं या कचरा या फिर व्यर्थ और अपशिष्ट, इसे जैसे तैसे बाहर फेंक कर या कूड़े वाले को सौंप कर हम निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन इस तरह अनजाने में हम एक बड़े खतरे को न्योता दे बैठते हैं। गीले कूड़े में मौजूद बचा खुचा भोजन, सब्जियां आदि शीघ्र सड़ जाते हैं, जिसमें मक्खियां तथा कीड़े पनपने लगते हैं। इससे हमारे और पालतू मवेशियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। मोहल्लों में बने ढलाव और अंत में शहर के बाहर बनी लैंडफिल साइट्स में कचरा लंबे समय तक पड़ा रहता है, जिससे निकलने वाली हानिकारक गैसों और रिसने वाले जलीय पदार्थ के कारण मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए खतरा बना रहता है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने स्वच्छ भारत अभियान में योगदान देते हुए कूड़े के वैज्ञानिक निपटान तथा रीसाइक्लिंग के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मानक और दिशा निर्देश तैयार किए हैं। ठोस कूड़े के उचित निपटान का पहला कदम इसका वैज्ञानिक तौर तरीकों से संग्रह है। इसके लिए विभिन्न उपकरणों के प्रयोग के दिशा निर्देश तथा विभिन्न आकार प्रकार के कूड़ादान की जानकारी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आगे बढ़ें तो कूड़ा इकट्ठा करने वाले विभिन्न प्रकार के वाहन सुरक्षित और वैज्ञानिक रूप से कूड़े के परिवहन को सुनिश्चित करते हैं। इन वाहनों के स्वरूप को वैज्ञानिक आधार देने के लिए इनके मानक तैयार किए गए हैं। इन वाहनों को विशेष देखरेख की जरूरत होती है, जिससे सुरक्षित एवं स्वच्छ रूप से कूड़े का निपटान किया जा सके, और इसके लिए BIS के दिशा निर्देश अपनाना कारगर साबित हुआ है। भारतीय मानक ब्यूरो ने घरों और घरेलू समुदाय आदि से कूड़ा लेकर उनके उपयोग या वेस्ट कलेक्टर को पहुंचाने के विस्तृत दिशा निर्देश बनाए हैं। इसमें कूड़े के मुख्य स्रोत पर सूखे एवं गीले कूड़े को अलग अलग करने, सूखे और गीले कूड़े के प्रारंभिक निपटान, अलग किए गए कूड़े को सुरक्षित रूप से ढुलाई से निपटान स्थल तक पहुँचाने, फिर से उपयोग में न आने वाले कचरे के निपटान हेतु दिशा निर्देश शामिल हैं। BIS ने कूड़े के अलग अलग वर्गों को अलग अलग करके इकट्ठा करने के लिए एक आधुनिक पुश कार्ट का डिजाइन तैयार किया है, जो अपनी कुशलता और उपयोगिता के कारण तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इसमें 4 कूड़ेदान आगे के भाग में जबकि 12 थैलियां पीछे के भाग में लगाई गई हैं। कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन का पहला सूत्र है रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल, यानी हम ऐसे उपाय अपनाएं जिससे कचरे की मात्रा कम हो, चीजों को दोबारा या किसी अन्य इस्तेमाल में लाने का प्रयास करें और बेकार सामान को यूं ही कचरा पेटी में फेंके नहीं, बल्कि रीसाइकल करने की व्यवस्था में सहयोग दें। BIS के मानकों के अनुसार रीयूज और रीसाइकल का रंग है नीला। घरों से निकलने वाले सूखे कचरे को नीले डस्टबिन में डालना है, क्योंकि ये कचरा सीधे रीसाइकल करने वाली एजेंसियों को सौंपा जाता है। अखबार और अन्य कागजी कचरे का इस्तेमाल न्यूज प्रिंट बनाने के लिए किया जाता है। हरे रंग की कचरा पेटी में अपने आप सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाने वाला यानी बायोडिग्रेडेबल कचरा यानी जैविक कचरा या ऑर्गेनिक वेस्ट डालना चाहिए। थाली में बची जूठन, फलों और सब्जियों के छिलके, चाय की बची पत्ती, सूखी पत्तियां, घास और फूल वगैरह इस वर्ग के कूड़े में शामिल हैं। इससे बेहतरीन क्वालिटी की खाद या कंपोस्ट बनाई जाती है, जो किचन गार्डन, बाग बगीचों या खेतों में इस्तेमाल की जाती है। इस उपयोगी खाद को हम घरेलू स्तर पर और हाउसिंग सोसाइटी या कॉलोनी स्तर पर बनाकर उपयोग कर सकते हैं। शहरों से बड़ी मात्रा में प्राप्त होने वाले म्यूनिसिपल ठोस कचरे को कंपोस्टिंग कर खाद में बदलने के लिए भी एक वैज्ञानिक विधि बताई गई है। बड़ी मात्रा में बनी खाद की बिक्री भी की जा सकती है। अब बात लाल रंग की कचरा पेटी की। लाल रंग की कचरा पेटी में ऐसा कचरा डालें जो हमारी सेहत के लिए सीधा खतरनाक है, और इसे कहा जाता है घरेलू बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें सैनिटरी नैपकिन, डायपर, इस्तेमाल की हुई रुई, पट्टी, ड्रेसिंग, दस्ताने वगैरह शामिल हैं। अगर इन्हें खुले में यूं ही फेंक दिया जाए तो इनसे गंभीर बीमारियां फैलने का खतरा होता है, इसलिए इन्हें हमेशा लाल कचरा पेटी में बंद करके रखें और कूड़े वाले को अलग से सौंपें या निर्धारित एजेंसी को सौंपने की व्यवस्था करें।
हमारे घरों में कुछ कचरा ऐसा भी निकलता है जो हमारी सेहत और पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है, जैसे पेंट के खाली डिब्बे, कीटनाशक दवाओं के खाली डिब्बे, पुरानी दवाएं, CFL बल्ब और ट्यूबलाइट, पुरानी बैटरियां, टूटा कांच, सुई सिरिंज वगैरह। इन्हें भी सामान्य कचरे से अलग रखने और कूड़े वाले को अलग से सौंपने की जरूरत है। कचरे में मौजूद प्लास्टिक पदार्थ लंबे समय तक वातावरण में बिना विघटित हुए बने रहते हैं, इसीलिए प्रदूषण के मुख्य कारकों में से एक हैं। प्लास्टिक का पुनः उपयोग भी संभव है, इसलिए इसकी रीसाइकलिंग के लिए BIS ने दिशा निर्देश तैयार किए हैं। प्लास्टिक के कचरे को 3 प्रकार से रीसाइकलिंग करने का प्रावधान किया गया है और इन सभी विधियों के लिए वैज्ञानिक प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं जिनके उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कंपोस्टेबल प्लास्टिक से संबंधित मानक के अनुसार प्लास्टिक का उपयोग कर इससे होने वाले प्रदूषण को सीमित एवं कम किया जा सकता है। प्लास्टिक की थैलियों से बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए इनके उत्पादन को वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया है। पुराने भवनों एवं संरचनाओं को नष्ट करने से उत्पन्न ठोस कचरे को भवन निर्माण में पुनः उपयोग किया जा सकता है, परंतु ये कार्य विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए। विद्युत उत्पादक इकाइयों से प्राप्त राख की उपयोगिता एवं निपटान के लिए भी एक मानक तैयार किया गया है, जिसके अनुसार राख का उचित निपटान कर प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अब बात एक खास कचरे की, जिसे e-waste कहा जाता है। पुराने लैपटॉप, PC, मोबाइल फोन, माउस, कीबोर्ड, TV, प्रिंटर के खाली कार्ट्रिज वगैरह इस वर्ग में आते हैं। इन्हें कबाड़ी को बेचना ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें खतरनाक तत्व मौजूद होते हैं जो वातावरण को प्रदूषित करने के साथ हमारी और कबाड़ी की सेहत के लिए भी खतरा है। इसलिए इनके सुरक्षित निपटान के लिए आजकल कुछ कंपनियां अपना पुराना सामान वापस ले लेती हैं या इनकी रीसाइकलिंग और प्रोसेसिंग के लिए कुछ विशेष एजेंसियां चुनी गई हैं। e-waste केवल इन्हें ही सौंपना हमारी जिम्मेदारी है। आम उपभोक्ताओं तथा उद्योगों में कचरे के वैज्ञानिक निपटान के प्रति जागरूकता और BIS के मानकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से स्वच्छता अभियान को मजबूती मिल रही है। देश के विभिन्न भागों में वहां की स्थानीय भाषा में सफाई और कचरा प्रबंध का संदेश देने वाले नुक्कड़ नाटकों का आयोजन BIS की एक अनोखी और प्रभावशाली पहल है। तो आइए अब हम एकजुट होकर संकल्प लें कि हम अपने घर में और आसपास रोज सफाई करेंगे और कूड़े को अलग अलग करके नीले, हरे या लाल कूड़ेदान में रखेंगे और इसे कूड़े वाले को सौंपेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो इस संकल्प को पूरा करने और इसे सहायता देने की जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभा रहा है। स्वच्छता एक जिम्मेदारी है जो हमें मिलकर निभानी है।